बरेली ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतीय रेलवे में भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां तथा प्रमुख मांगें न्यू पेंशन स्कीम बंद कराने, पुरानी पेंशन बहाल करने, रेलवे में निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा बंद करने एवं नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% पदों का समर्पण बंद करने तथा अग्निपथ इत्यादि मांगों को लेकर नरमू की इज्जत नगर मंडल की सभी शाखाएं तथा मंडल कार्यालय पर विरोध में धरना प्रदर्शन व आम सभा की गई। ई रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय इज्जत नगर में केंद्रीय अध्यक्ष वसंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में मंडल अधिकारियों तथा सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण पीएनबी बैंक के समक्ष आम सभा में भाग लिया। सभा का संचालन मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक ने किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार अपने नेताओं को एक नहीं जितनी बार वो विधायक और सांसद बनते हैं उन्हें उतनी बार पेंशन दे रही है, किंतु रेलवे कर्मचारी जो रेलवे में सेवा करते हैं 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है उसे पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। हम ये मांग करते हैं कि सांसदों विधायकों की तरह रेलवे में भी 1/1/2024 के बाद नियुक्त हुए रेलवे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और नहीं रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष, ये आज जो हमारी आम सभा हो रही है वो आम सभा पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऑल इंडिया रेलवे मेंस्पिरेशन से एफिलिएट्स यूनियन है वो मंडल स्तर पर, शाखा स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पर आप शॉर्ट टाइम लोगों को भर्ती कर रहे हैं 4 साल और 5 साल के लिए, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये खाला के मरने का गम नहीं, गम इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। तो सवाल ये है कि आज आप वहाँ कर रहे हैं, कल आप हमारे यहाँ लागू करेंगे और आपने लागू करना शुरू भी कर दिया है। अभी हमारे यहाँ गेट मैनों को संविदा पर रखा जा रहा है। अभी जेई की वैकेंसी 23 तारीख को आपने नोटिफिकेशन जारी किया, आज दैनिक जागरण में न्यूज है 20 वैकेंसी आप टेम्परेरी बेस पर रख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके रेलवे में भी आप निजीकरण आप पहले से लागू किए हुए हैं, आप ट्रैक्टर के एक एक पहिया निकालते चले जा रहे हैं और उसके बाद कहेंगे सर ट्रैक्टर तो नहीं बेच रहे हैं हम लोग, हमने तो ट्रैक्टर का पहिया बेचा है, अगला पहिया बेचा है, अभी हमने तो अभी पिछला पहिया बेचा है आपका, लेकिन ट्रैक्टर आपका यथावत रहेगा तो फिर बचेगा क्या? जब ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं तो किस काम का ट्रैक्टर? आज सरकार यही करने जा रही है और यही कर रही है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा ये कहना है विधायकों और सांसदों से कि या तो आप अपनी पुरानी पेंशन छोड़िए और नहीं तो हमको भी पुरानी पेंशन दीजिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।